वेलकम टू योर डिवाइन पब्लिक स्कूल क्लास है आपकी एलकेजी। सब्जेक्ट आपका कौन सा चल रहा है? मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। इससे पहले काउंटिंग, फिलअप, टेबल सारी चीजें पढ़ ली। आज आप लोग क्या सीखोगे? एडिशन। तो सबसे पहले सिंबल समझ लो आप। ये किसका सिंबल है? प्लस। किसका है? प्लस का। ये सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। इसके बाद ये मल्टीप्लाई। क्या है ये? मल्टीप्लाई। और फिर ये इक्वल। ये सिंबल है आपके। क्या है ये? आपके सिंबल है। तो अपन कौन कौन से सिंबल पढ़ेंगे? टू सिंबल, प्लस और माइनस। एडिशन है। क्या है ये? एडिशन। क्या पढ़ोगे आप लोग? एडिशन आज। ठीक है, सिंबल समझ लिया। किसका है? एड का, प्लस का। इसको क्या बोलते हैं? प्लस। प्लस मीन्स जोड़ना, जोड़ने का समझ लो। और एडिशन, एडिशन है। अभी कितना नंबर है? थ्री। तो अपन को कौन सी कितनी लाइन राइट करनी है आप सभी को? थ्री, वन टू थ्री। ये नंबर टू, तो टू लाइन राइट करनी है, काउंट करनी है। वन टू थ्री फोर फाइव। कौन सा नंबर आया? फाइव। तो यहां क्या लिख देंगे? राइट कर देंगे फाइव। क्या राइट कर देंगे? फाइव। अब इधर ये कौन सा नंबर है? फाइव। तो कितनी लाइन राइट करनी है आप लोगों को? फाइव। कैसे काउंटिंग करनी है अपन को? वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव नंबर लिखा तो फाइव ही लाइन राइट करनी है। अगर एक और होगी तो फिर से काउंट कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। तो नंबर देख लो कितना नंबर है, तो फाइव ही लाइन होनी चाहिए। ज्यादा है लाइन, आपने ज्यादा राइट कर लिया, तो इसको हटा दो। अब नीचे का नंबर देख लो, टू, वन टू टू। अब काउंटिंग कर लो, इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। कौन सा नंबर आया? सेवन। सेवन राइट कर दिया। इसके बाद कौन सा नंबर है बताओ? थ्री। तो थ्री लाइन राइट करनी है आपको, वन टू थ्री। फिर थ्री नंबर है तो वन टू थ्री। काउंटिंग कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कौन सा नंबर आया? सिक्स। कौन सा नंबर आया? सिक्स। तो जो नंबर आता है वो यहाँ पे राइट कर देते हैं। समझ रहे हो ना? जो नंबर सिक्स आया आपने काउंटिंग करी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स आया तो सिक्स ही यहाँ लिख दिया। ओके, अब फिर देखो इधर, वन टू, टू नंबर था तो टू लाइन राइट कर दिया। थ्री है तो थ्री कर लो, वन टू थ्री। ओके, काउंटिंग कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव नंबर राइट कर दिया। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर टू, कौन सा नंबर है? टू, वन टू, फिर टू, वन टू। काउंटिंग करो, वन टू थ्री फोर। फोर लिख दिया। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर वन, फिर कौन सा नंबर? ये वन है तो वन ही लाइन राइट होगी। ये टू नंबर है तो टू, वन टू। तो वन टू थ्री। अब फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। काउंटिंग कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। कौन सा नंबर आया? एट। कौन सा नंबर आया? एट। अब इधर समझ लो, जैसे सिक्स नंबर है तो अपन को लाइन कितनी आप सबको राइट करनी है? सिक्स ही। कोई भी नंबर हो जैसे वो नंबर देख के लाइन राइट करते हैं। जैसे थ्री था तो थ्री,
टू था जो टू, फाइव थी तो फाइव लाइन, टू थी तो टू लाइन, सबको ऐसे देख के लाइन राइट करनी है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब ये कौन सा नंबर है, सिक्स, तो सिक्स लाइन राइट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू लाइन है, वन टू काउंटिंग करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना नंबर आया काउंट कर किया था आप लोगों ने, एट, एट नंबर आया, समझ में आ रहा है ना सबको। जैसे हम किसी ने लिख दिया यहाँ पे थ्री और ये फाइव है, तो आप सबको देखना है सिंबल की प्लस का, सबसे पहले सिंबल की पहचान करो, किसका सिंबल है ये, प्लस का पहचान सिंबल की सारे बच्चों को होनी चाहिए, किसका सिंबल है, प्लस का। तो अब जैसे मैंने थ्री लिखा लिख दिया किसी ने और ये फाइव है, तो काम आप लोगों को कितनी लाइन राइट करनी है, थ्री, वन टू थ्री, ये फाइव है तो फाइव लाइन राइट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव काउंटिंग कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कौन सा नंबर आया, एट, कौन सा नंबर आया, एट, सबको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ओके।